नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद पंचायत सिरमौर के पूर्व सीईओ एसके मिश्रा द्वारा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच में दायर रीट अपील को न्यायाधीशों ने निरस्त कर दिया। उक्त आशय के संदर्भ में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के वकील शशि भूषण उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर के तत्कालीन सीईओ एसके मिश्रा केपी त्रिपाठी के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सिरमौर के न्यायालय में भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 341, 342, 294 का परिवाद प्रस्तुत किया था, जिस पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सिरमौर ने संज्ञान ले लिया था, जिसके विरुद्ध माननीय सिमरिया विधायक ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सिरमौर के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर न्यायमूर्ति माननीय संजय द्विवेदी जी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सिरमौर के आदेश को निरस्त करते हुए पूरी की पूरी कार्यवाही को ही समाप्त करने का आदेश पारित किया था। तत्कालीन सीईओ एस के मिश्रा ने माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के डबल बेंच में रिट अपील कार्यक्रम 697/2023 प्रस्तुत किया था, जिस रिट अपील को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति श्री अमरनाथ केसरवानी एवं श्री शील नागू द्वारा दिनांक 21/9/2023 को प्रचरणशीलता के बिंदु पर ही निरस्त कर दिया है। केपी त्रिपाठी की तरफ से उच्च न्यायालय में एडवोकेट संजय के अग्रवाल तथा एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा ने पैरवी की। माननीय न्यायाधीशों के आदेश से स्पष्ट है कि तत्कालीन सीईओ एस के मिश्रा ने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ द्वेषपूर्ण राजनीति से प्रेरित होकर षड्यंत्र रचा था। पूरा मामला ये है कि सुरेश कुमार मिश्रा तत्कालीन जनपद सीईओ जनपद पंचायत जवा जो थे उस समय, तो उन्होंने यहाँ पर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी के विरुद्ध यहाँ कंप्लेंट फाइल किया, जिस पर सिरमौर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कॉग्निजेंस लिया और उस कॉग्निजेंस ऑर्डर खिलाफ विधायक जी हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट के सिंगल जज ऑनरेबल जज संजय द्विवेदी साहब द्वारा जो सिरमौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर था उसको क्वेस्ट कर दिया और पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को उन्होंने निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ ही सुरेश कुमार मिश्रा रिट अपील में डीबी में गए डबल बेंच में। तो डबल बेंच का ये जजमेंट आया है 21/9/2023 का, जिस पर उन्होंने सुरेश कुमार मिश्रा की इस रिट अपील को प्रचलनशीलता के बिंदु पर ही निरस्त कर दिया और ये माना कि जो इनकी ये रिट अपील है ये जो 2005 उच्च न्यायालय खंडपीठ न्यायपीठ को जो अपील अधिनियम है उसके अंतर्गत इनकी जो अपील है उसके अंतर्गत ये अपील प्रचलनशील नहीं है और निरस्त की जाती है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब किसी भी तरह से विधायक को उस मामले में अब ये नहीं माना जा सकता कि कोई दोष का आरोप लगाया। नहीं नहीं, अब विधायक जी के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप जिस तरह से सुरेश कुमार मिश्रा बता रहे हैं या कि जिस तरह से इस पर उनके ऊपर अब कोई आरोप नहीं है और जो उन्होंने लगाया था सुरेश कुमार मिश्रा से उसको हाई कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, अब कहीं कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे मामलों में जैसे मान लीजिए कि वो जनप्रतिनिधि हैं, लाखों 50,000 वोट के वो नेता होते हैं, जी जी, जनता की आस्था जुड़ी रहती है जी, ऐसे वरिष्ठ लोगों के विरुद्ध अगर इस तरह से षड्यंत्र भी करके मामले बनाए जाते हैं उनकी छवि खराब करने के लिए, तो क्या इसमें ऐसे कोई नियम होते हैं कि उसके खिलाफ भी जा सकते हैं अपने मान सम्मान के लिए? बिल्कुल जा सकते हैं, अगर किसी ने षड्यंत्र पूर्वक किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की है और फिर बाद में न्यायालय ने उनको उस कार्यवाही से अथवा उस प्रकरण से पूर्ण रूपेण बरी कर दिया है तो इस पर लॉ ऑफ टार्ट के अंतर्गत मलेशियस प्रोसिक्यूशन का दावा होता है और डिफेमेशन का भी सूट होता है, डिफेमेशन की प्राइवेट कंप्लेंट होती है तो ये प्रावधान कानून में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।